G20 शिखर सम्मेलन 10 सितंबर को अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज के कई मनमोहक और प्रभावशाली वीडियो वायरल हो रहे हैं। भारत की भूमि पर विश्व के तमाम शक्तिशाली नेता पधारे हुए हैं और इसी कड़ी में तमाम दिग्गजों को भारत का स्वागत और यहाँ की सभ्यता काफी पसंद आई। रात्रि भोज के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत के ज्ञान का धरोहर है, उसकी परिदृश्य या कह सकते हैं एक छाया चित्र प्रदर्शनी विदेशी मेहमानों के लिए लगाया गया था। अदृश्य में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा तमाम अतिथि का स्वागत किया जा रहा है। सिर्फ एक फॉर्मल स्वागत नहीं, बल्कि अपनत्व के भावना के साथ पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू तमाम अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। अब दृश्य में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख सकते हैं, पीएम मोदी उनके हाथों को पकड़ उन्हें साथ ला रहे हैं। तीनों नेताओं के बीच बातचीत होते हुए पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसकी गाथा, उसकी महत्वता जो बाइडेन को बताते हुए। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के ज्ञान का वो धरोहर है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नष्ट करने के बाद भी उसका अवशेष आज भी पूरे विश्व को ज्ञान की ज्योति प्रदान कर रहा है। बहरहाल G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी सभ्यता को पूरे विश्व के सामने रखा। भारत मंडपम में लगे सांस्कृतिक स्टॉल और भारत के हर राज्य के विशेष स्टॉल विदेशी अतिथि को खूब आकर्षित कर रहे हैं, साथ में भारत को जानने एवं समझने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूँ।